नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आप सब लोग इसमें शामिल हुए तो ये जानते होंगे कि पत्रकारों को जो गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। उनके ऊपर एक FIR दर्ज करी गई है दिल्ली पुलिस में, और उस FIR के हिसाब से उनके ऊपर आरोप क्या वो समझ के लीजिए। उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि चाइना की दो कंपनियां Xiaomi और Vivo, ये दो कंपनी जो है इन पत्रकारों के जरिए टेरर फंड कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा है कि अगर ये दो कंपनियां टेरर फंडिंग कर रही हैं तो इनसे पैसा मोदी जी ने भी लिया 1000 करोड़ मोदी टेरर फंड में, तो सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए। उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा, उसके बाद अमित शाह के लड़के जिसके BCI के सेक्रेटरी हैं उन पर भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया वो कंपनी ने, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो वो क्या रहा है, आम जनता में दहशत पैदा करने के लिए पुलिस स्टेट का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे डंडाशाही होगा, जहाँ पे लोकशाही नहीं होगी, जहाँ पे डंडाशाही होगी। इसलिए समझना जरूरी है कि अगर हम इससे विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। हमको हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा ने एक आज़ाद भारत दिया, और हम क्या उनको गुलाम भारत देना चाह रहे हैं। ये मोदी सरकार जो है वो अपने को गुलामी की तरफ लेके जा रही है। जो अंग्रेज कमी छोड़ गए थे वो ये कमी पूरा कर रहे हैं। तो कुल मिला के अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व पहले भी करते थे आज़ादी के टाइम पे भी, और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए सबको ज़रूरत है कि आप ये जो डिस्कशन है अपने घर में करो, अपने बच्चों में करो, इसी तरह लोग इकट्ठे होंगे, इसी तरह जन जागृति होगी। क्योंकि मीडिया जो है, अधिकांश मीडिया जिसको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो सब इनके फेवर में प्रोपोगंडा कर रही है। वो ऐसा दिखाना चाह रही है कि 12 जो 15 पत्रकार हैं ये सब देशद्रोही हैं। अगर कोई इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा देशद्रोही है तो वो मोदी और अमित शाह, इससे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। इनके खिलाफ जो भी गया, अगर कोई जज गया उसको मर्डर, अगर गुजरात में कोई जांच हो रही है उसको दबाने के लिए उनका मर्डर, इसलिए इनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। ये भारत जो है संविधान से चलना चाहिए। हमारा देश संविधान प्रमुख है। हमारे देश में कोई धर्म प्रमुख नहीं है, कोई जाति प्रमुख नहीं है, संविधान प्रमुख देश है। इसलिए संविधान बोलता है कि हम सेकुलर स्टेट हैं, और सेकुलर स्टेट होने के नाते इसमें सबकी समान भागीदारी है, कोई भी किसी कास्ट का होना चाहिए किसी। लेकिन ये लड़ाई हम सब अगर अपने दिल से लेके लोगों तक जाएंगे, अपने परिवार में डिस्कस करेंगे, तो जाके पड़ेगा करवा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी को सत्ता से हटना पड़ेगा और हमारा स्वतंत्रता, हमारी डेमोक्रेसी बरकरार होगी। इसी के साथ मैं अपने दोनों सब खत्म करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।